वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरओएआरओ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल क्लासेस जो आपके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम में भी काम आएंगी। मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके मिसलिनियस वाले जो एग्जाम में आते हैं मैंने उसको कवर करा दिए हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय अनुसंधान संस्थान और उनका मुख्यालय। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट भी पूछ दिया जाता है और मिलान करने को भी दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो जिसको CIRB भी बोला जाता है, ये स्थित है हिसार हरियाणा में। ठीक, इसके बाद है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल हरियाणा में है। फिर आता है रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक, और राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला ये है बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, इसके बाद नई दिल्ली के कुछ देख लेते हैं अनुसंधान संस्थान जो एक साथ ही दिए हुए हैं। अगर पूछा जाए वल्लभ भाई चेस्ट इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में है। शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला ये भी नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा अखिल भारतीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये भी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये स्थित है करनाल हरियाणा में। ठीक है, तो एक और हमने करनाल हरियाणा का पढ़ा हुआ था, वो था राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय मृदा लवणता पूछा जाए और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछा जाए, दोनों हरियाणा के करनाल में स्थित हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण के लिए केंद्र ये नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान भी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो नारियल की बात है तो साउथ में होगा, ये है कासरगोड केरल में। ठीक, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून उत्तराखंड में, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ये भी देहरादून उत्तराखंड में, और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है ये भी आपका देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, पेट्रोलियम संस्थान भी पूछेगा तो देहरादून उत्तराखंड। फिर आते हैं हाफकिन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड टेस्टिंग, ये है मुंबई महाराष्ट्र में। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान भी मुंबई महाराष्ट्र में है, और केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान ये भी मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अलावा टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान ये भी मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक, आगे आता है लखनऊ का, तो इसमें देखिए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। विश्व विज्ञान का बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। साथ ही साथ केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, व्यवसाय स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय संस्थान अहमदाबाद गुजरात में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला हिमाचल प्रदेश में है, आलू वाला भी कई बार पूछा है। फिर गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। दोनों में अंतर समझिएगा, गन्ना प्रजनन अगर पूछे तो कोयम्बटूर और गन्ना अनुसंधान अगर पूछेगा तो लखनऊ में। फिर राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान तो कानपुर में है, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है केंद्र राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान आपने देख लिया चेन्नई तमिलनाडु। फिर आता है केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान जो कि कराईकुडी तमिलनाडु में स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है ये पुणे महाराष्ट्र में है।
अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिंग एंड गेम्स, जिसे पहले इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, ये जो है रांची झारखंड में है। अभी इसको जाना जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिंग एंड गम्स। फिर केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान जो है रांची झारखंड में, PGI चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान जो है चंडीगढ़ में है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, ये कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है, ये है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये भी कोलकाता में। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली में है। सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्य हेडक्वार्टर जो है ये कोलकाता है, और बल्कि इसके अलावा अन्य हेडक्वार्टर जो हैं वो उत्तर प्रदेश के खुर्जा में और गुजरात के अहमदाबाद में है, ठीक है, ग्लास एंड सिरेमिक के। अब राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कोलकाता में है। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कोलकाता में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद तेलंगाना, और राष्ट्रीय निर्माण अकादमी जो है ये भी हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद तेलंगाना। सेंटर ऑफ मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, ये गुलमर्ग कश्मीर में है। और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तराखंड में। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये दोना पावला पणजी गोवा में है, ठीक है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो चेन्नई में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। प्रतिभूति बाजार के राष्ट्रीय संस्थान जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान जो है ये मानेसर गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, जो कि पुणे में है। केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान भी पुणे में। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान भी पुणे में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है ये भी, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि सूरत में स्थित है। अब केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान, जिसको CIRC बोला जाता है, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में है, और मृदा विज्ञान संस्थान भी भोपाल में है, ठीक है। तो भोपाल में देखिए तीनों इंपॉर्टेंट है, कृषि इंजीनियरिंग, वन प्रबंधन और मृदा विज्ञान। अगला आता है इंपॉर्टेंट, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, जो कि कोझिकोड कालीकट केरल में है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, ये अविका नगर राजस्थान में। केंद्रीय ताजा जल कृषि संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान पणजी गोवा में। राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान फरीदाबाद हरियाणा। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, ये भी फरीदाबाद हरियाणा में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है ये गुजरात के गांधीनगर में है। खाद्य सुरक्षा संस्थान आपके गुड़गांव हरियाणा में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि राजस्थान के जयपुर में है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला पंजाब में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये है पिलानी झुंझुनू, जो कि राजस्थान में है। केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कोची केरल में। केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है, ठीक है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ठीक है, ये रुड़की में है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान, ये हैदराबाद तेलंगाना में। अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता में। केंद्रीय खान योजना और डिजिटल संस्थान लिमिटेड रांची में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में। केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में है। और केंद्रीय खारा जल कृषि संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान जो है ये चिंगेलपेट तमिलनाडु में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। साथ ही साथ केंद्रीय औषधि और सुगंध पौधा संस्थान भी एग्जाम में पूछा गया है, जो कि लखनऊ में है। इसके अलावा राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये भी नागपुर में।
एम्स जो है यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान जो है ये है बेंगलुरु में। तो दोस्तों ये हो गए आपके इम्पॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान और किस स्थान पर है। एक से दो सवाल या तो आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर अनुसंधान संस्थान जो है ये किस स्थान पर है, डायरेक्ट आपसे स्थान पूछा जाएगा, आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे तरीके का सवाल पूछा जाता है मिलान करने को, ठीक है मिलान कीजिए। और तीसरे टाइप का सवाल इसमें पूछा जाता है कि आपको एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, मतलब ये जोड़े में दे देगा, आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो इस टॉपिक से आपके दो से तीन प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी मैंने दो पेज की आपको लिस्ट दी है, जितने भी हैं उसको बिल्कुल रट जाइएगा, इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा, और इससे बाहर अगर आपको पूछा भी गया तो आप एलिमिनेट कर लोगे आराम से, ठीक है। तो बस दोस्तों पढ़ते रहिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चैनल पे आते रहेंगे। बाकी गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।